Students of Central University of Himachal Pradesh are protesting once again. They have been protesting since long, demanding a permanent campus for their university. Though the university was established in the year 2010 and now it is 2021, the permanent campus of the university is yet to come up. The university is scattered across three places, in Shahpur, in Dharamshala and Dera. The students don't have proper classrooms, they don't have laboratories, and they don't have hostels. Now, when the students started protesting yesterday, the university administration decided to postpone classes till March 2nd. अपनी नालायकता और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस विश्वविद्यालय को बंद करके जो यहाँ से भाग कर निकले हैं, इस विश्वविद्यालय का जो काम करने में नाकामी जो उनकी रही है वो आज हम सभी के सामने प्रदर्शित है। किस तरह से रातों रात एक नोटिफिकेशन निकालना साम दिखता है कि एक राजनीति का शिकार एक ये यूनिवर्सिटी हो चुकी है, और यहाँ के जो निकट्टू निकम्मे वाइस चांसलर रजिस्ट्रार की जो बहुत बड़ी नाकामी है, जो छात्रों को आज भुगतने पड़ रही है, जो इतना बड़ा कैंपस है वो हम सभी के समक्ष बंद होकर रह गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पे एक भी ईंट केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पे आज भी नहीं लगी है। इसके साथ हम देखें कि सरकार प्रदेश की हो या केंद्र की हो, वो पूर्ण रूप से राजनीति इस पूरे के पूरे मुद्दे पे कर रही है। एक तरफ देखें तो केंद्र सरकार के कुछ नुमाइंदे इस पर राजनीति करते हैं और प्रदेश सरकार आपस में छींटाकशी करती है, और उन सब मुद्दों के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। हम देखते हैं कि किसी भी तीन जगह जहाँ ये कैंपस चल रहा है वहाँ पे 20 रिसर्च कॉलेज को एक साथ बैठने की व्यवस्था इस कैंपस में नहीं है। कैंटीन की व्यवस्था से लेके वाटर एक्वागार्ड, प्योरीफायर और बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं मिली हैं। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी अगर ये यूनिवर्सिटी का काम शुरू नहीं होता है तो लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो विद्यार्थी है वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदेश और केंद्र की सरकार को जवाब देगा, जिसका काम आज इन दोनों सरकारों को भुगतना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो स्टूडेंट्स की मूलभूत सुविधा भी प्रदान नहीं कर पा रहा है, ना वो यूनिवर्सिटी में बैठने की कोई सुविधा प्रदान कर पा रहा है। जिस तरह हमारे पास एक ही ग्राउंड है यूनिवर्सिटी का, उसमें भी वहाँ पर गाड़ी की पार्किंग करते हैं, लाइब्रेरी में कोई सुविधा प्रदान नहीं है, वीवॉक डिपार्टमेंट है वहाँ पर ना कैमरे हैं ना कंप्यूटर्स हैं, किसी भी तरह की सुविधाएँ हमारे पास नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। तो ABVP अपना जो आंदोलन है वो इसी तरह जारी रखेगी और यूनिवर्सिटी प्रशासन को हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी करनी होंगी।